स्टार्ट करते हैं सेक्शन 51, सेक्शन 51 टीडीएस। अब ये जो सेक्शन 51 है हमारा टीडीएस का, ठीक है जी, ये समझ लीजिएगा जो इनकम टैक्स में सेक्शन 6 जो इनकम टैक्स में टीडीएस के सेक्शन है उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन पूरा कॉपी पेस्ट उसका नहीं है। तो इस सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है हमें। क्या सर इस सेक्शन में अमेंडमेंट आई है क्या? मैंने कहा तुम्हें चेक करा देता हूं, सेक्शन 49 में अमेंडमेंट थी, ठीक है, 50 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, 51 में कोई नहीं है, ठीक है ना, 52 में है, उसे बाद में देखेंगे। फाइनेंस एक्ट से भी दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है, फाइनेंस एक्ट से सेक्शन 50 में है और 52 में है, 51 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो 51 हमारा प्लेन सेक्शन है टीडीएस का। आ जाओ, ठीक है। अब ये सेक्शन क्यों बनाना पड़ा, पहले इस सेक्शन के बनाने के पीछे का राज समझ लो कि सेक्शन 51 क्यों बनाना पड़ा। सेक्शन 51 वैसे तो इसकी कोई नीड नहीं थी, लेकिन आपको पता है हमारे यहां पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अजीब होता है, ठीक है ना, वो आपकी पेमेंट वगैरह डिले करते हैं, माल दे दिया आज 4 महीने में देंगे, 6 महीने में देंगे। तो जब तक ये सेक्शन बहुत लेट अप्लाई हुए जीएसटी में, तो जब तक ये सेक्शन अप्लाई नहीं हुए थे तो लोग बाग क्या करा करते थे, अब समझना मेरी बात को। कपिल जैन ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को माल दिया, लेट सपोज अप्रैल 19 में 10 लाख का, जब 10 लाख का कपिल जैन माल सप्लाई करेगा तो उस पर जीएसटी भी है, तो उस पर जीएसटी लगा 1,80,000। अब कपिल जैन को क्या करना चाहिए, इसे अप्रैल की रिटर्न में दिखाना चाहिए, अप्रैल के रिटर्न में दिखाना चाहिए और 1,80,000 टैक्स पे करना चाहिए। ये जरूरी है क्या, ये 10 लाख का मान लो, इसे मैं 1 करोड़ भी कर सकता हूं और उस पर कितना हो गया 18 लाख। अब अगर कपिल जैन अप्रैल का टैक्स, अप्रैल में सप्लाई करी थी, अप्रैल का टैक्स अगर 20 मई को जमा कर दे 18 लाख, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा कपिल जैन ये टैक्स जमा कर दे 18 लाख, उसने कहा यार पागल हो गया, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई है, किसे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई है, पैसा तो एक भी नहीं आया, पैसा तो अभी एक भी नहीं आया, 1 करोड़ तो माल गया और तुम उससे क्या करा, 18 लाख का टैक्स और जमा कर दे। भाई मैं नहीं करूंगा ये जमा, मैंने कहा भाई लो तो यही कहता है कि जैसे ही तुम सप्लाई कर दोगे, इनवॉइस दे दोगे तो तुम्हें टैक्स जमा करना है। तो बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को माल बेचते हैं, इस तरह के बड़े डिपार्टमेंट्स को माल बेचते हैं, उन लोगों के सामने ये समस्या थी। तो गवर्नमेंट को इन लोगों से टैक्स करने में बहुत, कलेक्शन करने में बहुत दिक्कत आती है। कई लोग तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को माल बेचकर उसकी सेल ही नहीं दिखाते, और ऑडिटर भी कैसे चेक करेगा, वो चेक ही नहीं करता, पेमेंट आई नहीं है तो भाई कैसे चेक होगी, चेक ही नहीं होती, होती है क्या कई जगह, नहीं। तो इस तरीके से टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसमें गलती किसी की नहीं थी, ना क्लाइंट की गलती है, गलती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो टाइम से काम नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई ऐसा है, अब मेरी बात सुनो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, अगर कपिल जैन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी माल देगा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या बोला कि मैं ना तुम्हारे ऊपर ना एक कंडीशन डाल देता हूं, बाउंडेशन डाल देता हूं कि तुम्हें ना सेक्शन 51 को फॉलो करना है। तो ये सेक्शन 51 सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों पे लगता है, हर किसी पे नहीं लगता, ठीक है। और क्या बोला इन 4 लोगों को गवर्नमेंट ने कि जब भी कभी कपिल जैन तुम्हें माल देगा, जब भी कपिल जैन तुम्हें कोई गुड्स या सर्विसेज देगा, तो अगर उसने 10 लाख रुपए का माल दिया तो तुम उसमें से क्या करोगे, 1%, क्या जी, 1%, ठीक है, 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी काटकर, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी काटकर गवर्नमेंट को जमा कर दोगे, ठीक है ना। इससे हमें यह पता लग जाएगा
कि कपिल जैन ने गवर्नमेंट को कितनी सप्लाई करी। अब चाहे कपिल जैन अपनी सेल दिखाए या ना दिखाए, अगर कपिल जैन के जीएसटी नंबर पर यह लिखा हुआ आ गया कि तुम्हारा सीजीएसटी 10,000 रुपए कटा हुआ है और एसजीएसटी कितना कटा हुआ है 10,000, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि कपिल जैन ने कितने की सप्लाई करी हुई है, 10 लाख रुपए की। कितने की? 10 लाख। और अगर कपिल जैन उस पर टैक्स टाइम से नहीं जमा करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ कपिल जैन को पकड़ लेगी। ऐसे ही समझो जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस कटता है। इनकम टैक्स में टीडीएस काटने का भी तो यही प्रिंसिपल है कि इसका टीडीएस काट के जमा कर दो और अगर इसने फिर इनकम नहीं दिखाई तो हम इसे पकड़ लेंगे। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर यहां पर इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जब इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया तो गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत आई, ठीक है ना। आज भी सेक्शन को वो लोग सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी देखते हैं क्या कहते हैं सेक्शन। अब देखो सेक्शन की ओपनिंग लाइन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेंट इन दिस एक्ट, कहता है मैं ओवर रूल करता हूं पूरे एक्ट को, द गवर्नमेंट मे मैंडेट, क्या बोला, मे मैंडेट, कि हम मैंडेट कर रहे हैं कितने लोगों को, सिर्फ 4 को, ए बी सी डी, इन 4 लोगों को इस सेक्शन के अंदर मैंडेट किया जा रहा है। क्या? ए डिपार्टमेंट, कौन कौन है ये, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एस्टेब्लिशमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, बताओगे कोई एग्जाम्पल से मुझे? बोलो, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ये लोग हैं, ये लोग भी सर्विस देते हैं, ये लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो कर ही रहे ना, जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी है। तो इन लोगों को क्या बोला गया कि अगर तुमने कोई इनवर्ड सप्लाई ली, क्या ली, इनवर्ड सप्लाई ली, तो उस पर आप टीडीएस काट कर जमा करोगे। तो क्या बोला, लोकल अथॉरिटी कौन हो गया जी, एमसीडी, कोई गवर्नमेंट एजेंसी कौन हो गई, रो वगैरह, ठीक है, सीबीआई, रो, ठीक है, सर्विसेज तो लेते होंगे ना, टेंडर तो निकलता होगा ना इनका भी। और चौथा क्या बोला, सच पर्सन एज कैटेगरी ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, हो सकता है गवर्नमेंट कल को क्या बोल दे, जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है कंपनी की, जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, तो इन 4 पर्संस को सिर्फ टीडीएस के प्रोविजन फॉलो करने हैं। इसमें ये लोग क्या करेंगे, कपिल जैन का टीडीएस काटेंगे और जमा करेंगे। अब जब ये टीडीएस काट के जमा करेंगे तो क्या उसके लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या नहीं, बोलो। लेकिन इनके पास तो पहले से ही एक जीएसटी नंबर है, पीडब्ल्यूडी वगैरह वालों के पास, एमसीडी के पास, जिससे बिलिंग करते, क्या उसी से काम हो जाएगा या नहीं? तो एज पर सेक्शन 24, मैंने सेक्शन 24 में भी ये बताया था, इन लोगों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और एक क्या लेना पड़ता है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सेपरेट रजिस्ट्रेशन किसके लिए, टीडीएस जमा करने के लिए, टीडीएस काट कर जमा करने के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जी एक नॉर्मल होगा और उसके अलावा ये स्पेशल लेना पड़ेगा। क्या जी? हाँ नॉर्मल कुछ लोग नहीं लेते, अगर वो सप्लाई करेंगे तो लेंगे, ठीक है ना, अगर उनकी टैक्सेबल सप्लाई है और 20 लाख से ऊपर है तो ये जरूर लेंगे, ठीक है जी। अब अगला, हेयर इन आफ्टर सेक्शन रेफर्ड एज डिडक्टर, तो इन लोगों को क्या बोला जाएगा, डिडक्टर, टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1%, कितना से जी, 1%. तो 1% सीजीएसटी हो गया, 1% फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। पेमेंट करोगे तब नहीं, मेड या क्रेडिट, जब भी आप पेमेंट मेड करोगे या क्रेडिट, हियर इन आफ्टर टू द डिडक्टी से क्या बोलेंगे, डिडक्टी, ठीक है, ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, ऑफ किस पे जी, टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। लेट सपोज मैंने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बुक्स दे दी, क्या दे दी, books. और मैंने कितने की बुक्स दी, 5 लाख रुपए की, yes, तो बताओ वो टीडीएस काटेगी या नहीं,
मान लो कि बुक्स क्या है, एग्जेम्प्ट है, क्या है, टीडीएस काटेगी नहीं, क्यों नहीं काटेगी टीडीएस? मैं ये वाला टीडीएस की बात कर रहा हूं, कपिल जैन सप्लाई कर रहा है किसे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। अब मैं कपिल जैन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 5 लाख की बुक्स दे रहा है, जबकि वो बुक्स क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब आप ये बताओ, ये जीएसटी के अंदर जो अभी हम सेक्शन 51 की बात कर रहे हैं, क्या ये 1% टीडीएस काटेगी या नहीं? हाँ, नहीं काटेगी। चलो, कुछ लोग जो कह रहे हैं वो कहते हैं काट भी लिया, 1% सीजीएसटी काट लिया, 1% एसजीएसटी। अच्छा बताओ, जो कपिल जैन है, अगर ये सारी की सारा एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहा है, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य है? और जब मैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य ही नहीं हूँ, तो आप मेरा टीडीएस काट ही कैसे सकते हो? और दूसरी चीज, चलो मेरा रजिस्ट्रेशन भी है, अरे भाई अगर मैं सारा एग्जेम्प्ट गुड्स बेच भी रहा हूँ, तो तुम मेरा टीडीएस काट लोगे अननेसेसरी में? मैं उसे यूज कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। फ्री फंड में मुझे क्या करना पड़ेगा? रिफंड क्लेम। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बड़े ध्यान से यहां पर क्या बोला है कि टीडीएस कभी काटोगे? जब तुम क्या बेच रहे हो? टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। अब ऐसा भी होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऐसा थोड़ी है, सारी चीज टेंडर से ही आती है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ खत्म हो गया, 10,000 5,000 का सामान लिया है, अब 5,000 का सामान मैंने भेज दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इस वाले केस में क्या 5,000 पे भी टीडीएस काटेगी? या कोई बेसिक लिमिट होगी? तो इन्होंने कहा एक बेसिक लिमिट है कि गवर्नमेंट टीडीएस तभी काटेगी वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, टोटल वैल्यू ऑफ अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या वर्ड है, एक्सीड्स 2,50,000। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तभी आप काटोगे। चलो, गवर्नमेंट ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया 2,40,000, लेकिन जब मैं उस पर जीएसटी लगाता हूं, मान लो 30,000, अब बताओ टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे या नहीं? यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। बताओ टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू या 2,40 या 2,70? कुछ कह रहे हैं 2,40, कुछ कह रहे हैं 2,70। गवर्नमेंट को पता है कि हिंदुस्तान है, कंफ्यूज होगा, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई लिखा है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। क्या दे दी? पढ़ लो एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इज स्पेसिफाइड अबव, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एज द अमाउंट एक्सक्लूडिंग द टैक्स। एक्सक्लूडिंग द टैक्स होगा, तो इस वाले केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो आपको शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए। जी बिल्कुल, 2,40। ठीक है, इस टोटल वैल्यू जो लिखी है उसका क्या होता है? भाई साहब, इन्होंने ही तो बोला है टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई है 2,40 है, हो सकता है तुम उसमें 4 सामान बेच रहे हो, 1, 2, 3, 4 सामान बेच रहे हो, तो उसकी सप्लाई। क्लियर हुई है वाली बात या नहीं? बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो, क्लियर है? चले आगे चले भाई, इसका अभी मैं प्रोविजो छोड़ रहा हूं, आगे लेके चलता हूं तुम्हें। पहले सेक्शन खत्म करके प्रोविजो कंप्लीट करेंगे। द अमाउंट डिडक्टेड एज टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय द डिडक्टर। जो टैक्स काटा है तुम उसे काट के किसे डिपॉजिट कर दो? गवर्नमेंट को। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? तो ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारा टीडीएस काटेंगे, डिपॉजिट करेंगे 10 दिन के अंदर, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच डिडक्शन इज मेड। ठीक है, तो ये लोग कैसे जमा करेंगे? अपना एक चालान जमा करेंगे। द डिडक्टर, अब हो सकता है मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने गवर्नमेंट को सप्लाई करी 10 लाख की,
मैंने कहा लाओ भाई 10 लाख रुपए दो, लेकिन उन्होंने कहा हमने तो तुम्हारा टीडीएस काट कर जमा कर दिया। मैंने कहा अगर आपने मेरा टीडीएस काट कर जमा करा है, क्या प्रूफ है? मेरे तो पोर्टल पे दिखाई नहीं रहा। उसने कहा भाई हमने तो कर दिया। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि हम लोगों के काम इतने अच्छे नहीं होते, तो इन्होंने कहा कि भाई जो भी व्यक्ति है टीडीएस काट के जमा करेगा, जो डिडक्टर होगा वो क्या देगा? एक सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा? द डिडक्टर शैल फर्निश टू द डिडक्टीए सर्टिफिकेट मेंशनिंग देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। साथ में क्या मेंशन करोगे उसमें तुम? रेट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट डिडक्टेड, अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट एंड सच अदर पर्टिकुलर। तो साथ में हमें क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अभी दे रहा है, ठीक है, लेकिन उन्हें यह सर्टिफिकेट देना है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं देते सर्टिफिकेट, छोड़ो ना। उन्होंने कहा भाई अगर तुम सर्टिफिकेट नहीं दोगे ना, हम तुम पे लेट फीस लगा देंगे। क्या कहता? इफ एनी डिडक्टर फेल्स टू फर्निश टू द डिडक्टी द सर्टिफिकेट आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स एट सोर्स विद इन 5 डेज। अगर आपने 5 दिन के अंदर ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट सो डिडक्टेड टू द गवर्नमेंट, द डिडक्टर शैल पे बाय वे ऑफ लेट फीस ए ₹100 फ्रॉम द डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 डेज अंटिल द फेलियर इज रेक्टिफाइड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5,000। तो अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं वो, तो आप उनके ऊपर क्या लग सकती है? लेट फीस ₹100 per day। तो जैसे ही उन्होंने टैक्स जमा करा, तो टैक्स जमा करने के बाद उन्हें 5 दिन के अंदर अंदर क्या पे करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं, ये इनकम टैक्स वाला नहीं, अलग कोई सर्टिफिकेट। हाँ, तो वही वाला है, ठीक है, पोर्टल पे ऑटोमेटिक आता है, ठीक है ना, वही वाला है। द डिडक्टी शैल क्लेम क्रेडिट। अब जिसका टीडीएस कटा है वो क्या कर लेगा? क्रेडिट क्लेम कर लेगा। वो टीडीएस कटा हुआ हमारे कौन से लेजर में आता है? कैश में, क्रेडिट में? कैश में। इन इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द रिटर्न ऑफ डिडक्टर फर्निश अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 39 इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो भाई जैसे ही मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं उसका क्लेम ले लूंगा, ठीक है। इसका कोई टाइम पीरियड इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है ना। इफ एनी डिडक्टर फेल्स टू पे द गवर्नमेंट द अमाउंट डिडक्टेड एज सेक्शन सबसेक्शन 1। अगर किसी एमसीडी वगैरह ने टीडीएस तो काट लिया, लेकिन किसे जमा नहीं करा? गवर्नमेंट के, तो वो क्या पे करेगी? साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगी इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, ठीक है। तो टैक्स के साथ साथ तुम्हें क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर आपने टैक्स और ये पे नहीं करा, द डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड 73। और तो गवर्नमेंट आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है, कौन से सेक्शन के थ्रू? 73 और 74 को लेके। तो आप ये मत समझना कि हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। अब मजे की बात, द रिफंड, ठीक है, टू द डिडक्टर, टू द और द डिडक्टी अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सेस और एरोनियस डिडक्शन शैल बी डील्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, इस चीज को समझना। लेट सपोज कपिल जैन ने सप्लाई करी 5 लाख की, टीडीएस कटना था 5,000, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मेरा टीडीएस काट दिया 50,000। काट सकती है नहीं? गवर्नमेंट ने मेरा टीडीएस कितना काट दिया? 50,000। अब 50,000 काटने के बाद वो डिपॉजिट भी कितना कर दिया? 50,000। मेरे जो मेरा लेजर है 2A, उसमें भी कितना आ गया? 50,000 कि मेरा टीडीएस कट गया 50,000। अब 2A में ही आता है सर, 2A में पार्ट उसके अलग अलग है, उसमें आता है। तो जब मेरे पे आ गया 50,000, मैं गवर्नमेंट से कहने लगा भाई 50,000 क्यों काटा, तुम्हें काटना कितना था? 5,000। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो गलती से कट गया 50,000। मैंने कहा भाई मुझे मतलब नहीं है, मैंने कहा
मुझे मतलब नहीं है, तुम इसे ठीक करो, तुम इसे क्या करो, ठीक करो। तो क्या ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसे ठीक कर सकता है? हाँ नहीं, रिफंड कैसे? रिफंड तो डिडक्टी 50,000 रुपये आ गया कपिल जैन का टीडीएस कट के। या तो ये अपनी टैक्स की लायबिलिटी पे करेगा इससे, या तो टैक्स की लायबिलिटी पे करेगा, और या टैक्स की लायबिलिटी पे नहीं होगी तो इसका क्या लेगा? रिफंड। लेकिन मैं जिद पर अड़ गया, मैंने कहा गवर्नमेंट इसे तुम ठीक करो। क्या गवर्नमेंट ठीक कर सकती है इसे या नहीं? पढ़ो इसे आगे, प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड टू द डिडक्टर। अब ये क्या कह रही है गवर्नमेंट, क्या मान रही है? रिफंड मांग रही है। शैल बी ग्रांटेड इफ द अमाउंट डिडक्टेड हैज बीन क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू द डिडक्टी। तो अगर डिडक्टी के कैश लेजर में चले गए 50,000 रुपए, तब उसके बाद तुम रिफंड नहीं ले सकते, सिर्फ अपने डिडक्टी को ही समझा सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं? इस वाले केस में क्या होगा, डिडक्टी के 50,000 कट गए, डिडक्टी के 50,000 रुपए कट गए, और 50,000 रुपए जो उसके कटे हैं भाई, उस वाले केस में उसे उसका क्लेम 50,000 से ही लेना पड़ेगा। बस और कोई रास्ता इसमें, हमारा जो इनवॉइस है उस 50,000 इसमें चला गया, हाँ बाकी को हमें पेमेंट कर देगा, हाँ अभी जो कैश लेजर में आ गया इसको यूटिलाइज करेंगे, इसे यूटिलाइज करेंगे, या तो यूटिलाइज कर लेगा कैश, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और समझो, इस चार्ट को समझो। कपिल जैन अगर गवर्नमेंट को सप्लाई करता है 5,00,000 रुपए की, तो मैंने जीएसटी लगाया 9% सीजीएसटी और 9% कितना हो गया 45, गवर्नमेंट में मिल गया 5,90 का। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 5,90 में से कितने रुपए पे टीडीएस कितना काटेगी बोलो? 1%। किसका 1%? 5 गया 5,90 का, तो भाई 5 ये गलत कर रही है, ये किस पे काटेगी? 5 पे, और साथ में टीडीएस काटेगी अंडर सेक्शन जो इनका होता है 194C, जो इनकम टैक्स का है, वो सेपरेट मैटर है, ठीक है ना, उस पे रिमेनिंग टीडीएस काटेगी और बाकी पेमेंट मुझे दे देगी, ठीक है। तो इसलिए आप इस सेक्शन को ऐसे समझो। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, हाँ जी, क्या 194C में, हाँ जी 5 पे कटेगा इनकम टैक्स में। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, मैं दिल्ली का ठेकेदार हूं, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई गुड्स या सर्विस दिए, तो उस पर वो जो टीडीएस काटेगी कौन सा काटेगी? सीजीएसटी और है या नहीं? मैं दिल्ली का ठेकेदार हूं, क्या मुझसे यूपी गवर्नमेंट मुझसे कोई काम करा सकती है या नहीं? मैंने यूपी गवर्नमेंट को 5,00,000 का माल दिया, वो टीडीएस काटेगी या नहीं? क्या काटेगी टीडीएस में? क्या काटेगी? आईजीएसटी काटेगी 2%। वेरी गुड। अब मजे की बात, मैं दिल्ली का ठेकेदार, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को डीयू को एक सर्विस दी है, बड़े ध्यान से समझना भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक सर्विस दी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि मेरी ना एक यूपी में एक ब्रांच बन रही है, इस पर आप व्हाइट वॉश कर दो। मैं कहां का हूं? दिल्ली का। सर्विस किसे दे रहा हूं? दिल्ली को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, जो दिल्ली गवर्नमेंट की है, ठीक है इस वाले केस में। लेकिन सर्विस में दे कहां रहा हूं? यूपी में। इस वाले केस में बताओ टीडीएस कौन सा कटेगा? डीयू टीडीएस काट रही होगी। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या? दिल्ली है, दिल्ली है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इसका? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो आप कह रहे हो उस पर क्या लगेगा?
IGST TDS कटेगा। चलो एक बार ऐसा करो, जो मैं एक प्रोविजर छुड़वा के आया था ना उसे पढ़ो बेटा। बड़े ध्यान से पढ़ना नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड, क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर हमारे एग्जाम्पल में क्या है, दिल्ली, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज डिफरेंट फ्रॉम, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और एज द केस में भी यूनियन टेरिटरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिसिपिएंट। यहां पर क्या वो दोनों सेम स्टेट है या अलग स्टेट है? तो इस वाले केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे ही नहीं। इस भाई यूनियन टेरिटरी तो आएगा ही ना, जहां पे भी स्टेट आता है तो वहां पे यूनियन टेरिटरी तो आता ही है ना। इन्होंने क्या बोला फिर दोबारा समझो इस चीज को, कि अगर मुझे अगर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, क्या जी, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड अगर दो डिफरेंट स्टेट में, अगर किसमें, दो डिफरेंट स्टेट में है तो उस वाले केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। कपिल जैन ने जब यूपी गवर्नमेंट को सर्विस दी थी तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहां था, यूपी, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या था, इसलिए आईजीएसटी कट गया था। लेकिन ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे, कि टीडीएस के प्रोविजन एक जगह एप्लीकेबल नहीं होते, और वो कौन सी जगह है, जहां पर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, इज इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और एज द केस में भी यूनियन टेरिटरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिसिपिएंट। क्लियर है ये वाली बात या नहीं? इसमें टीडीएस कटने के प्रोविजन में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, कैसे डिपॉजिट करेगा, इस वजह से इसका ये लॉजिक है। आप ये समझो ना, फिर दोबारा यहीं पे एग्जांपल बनाते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसके हिसाब से समझना, इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर, यहां पर सप्लायर कौन है, दिल्ली का, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एंड, एंड क्या लिखा है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन ए स्टेट, POS इज इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द, अब यहां पर रिसिपिएंट कहां का था, रिसिपिएंट कहां का था, दिल्ली का। तो अगर ये POS इसका डिफरेंट होगा, क्योंकि जब IGST का TDS कटेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई डलेगा उसमें, और प्लेस ऑफ सप्लाई किसका डलेगा, यहां पर यूपी डलना है, प्लेस ऑफ सप्लाई डालना है यूपी, और जब प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी डालेगा तो ये टीडीएस काट के जमा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास दिल्ली का CGST SGST है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो इस वाले केस में इन्हें ये दिक्कत आ रही थी, तो इस दिक्कत के चलते इन्होंने इस पर ये प्रोविजन अप्लाई किया ही नहीं। भाई साहब, GST चार्ज करना अलग बात है, चाहे वो GST CGST हो चाहे IGST हो, वो चार्ज अपने अकॉर्डिंग होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ बात किसकी कर रहा हूँ, TDS कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है, तो TDS इस वाले केस में यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हुई है वाली बात या नहीं, बोलो। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारी पेनड्राइव क्लासेस भी ले सकते हैं, जो बच्चे दिल्ली NCR के हैं वो हमारा दिल्ली NCR का फेस टू फेस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।